हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सूरन के पकौड़े किसी विशेष डिमांड पर। तो जो विदेशी सूरन आता है उसे मैंने धुलकर काट लिया, साथ में आलू भी रख लिया है, थोड़ा सा ही था। जनरली मैं दीपावली में बनाती हूँ बट इस बार नहीं बनाया, तो आज मैं बना रही हूँ और दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। तो सूरन को छोटे टुकड़ों में काट कर धुलकर पानी में डाला, साथ में ऑयल भी डाला और आलू भी है। अब मैं इसे बंद कर लूँगी। मैंने सूरन को बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है, ये 2 से 3 सीटी में उबल जाएगा। उसके बाद मैं बताऊंगी प्रोसेस की कैसे बनेगा। उसके बाद मैं इसे छीलूंगी और ठंडा करने के बाद मैश करके और इसमें लहसुन, हरी मिर्च और जीरा, अदरक ये सब ग्राइंड करके डालूंगी और साथ में बेसन। बेसन जितने ये मटेरियल है उसका आधा तो डालना पड़ेगा क्योंकि कम डालने पे ये फट जाते हैं तलते समय। फिर मैं इसे छोटी टिक्कियाँ या कोफ्ते ऐसे बना के और तलूंगी। दोस्तों सूरन उबल चुका है, अब इसे ठंडा करूँगी। ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसे छीलूंगी। दोस्तों मैं सूरन को चाकू की मदद से छील रही हूँ, इसके छिलके बहुत कड़े होते हैं। बहुत थोड़े से ही सूरन थे इसलिए मैंने इसके साथ आलू भी ले लिया। ये इसके पानी सूख जाते हैं बॉईल करने के बाद, तो थोड़ा मैं चाकू से इसको टुकड़े करूँगी फिर मैश करूँगी। मैं बॉइल्ड आलू को छील रही हूँ। दोस्तों सूरन के पकौड़ों को चटपटा बनाने के लिए मैं लूँगी कुछ कलियाँ लहसुन की, अब देखते हैं, थोड़े जीरे, जीरा 1 चम्मच, 1 हरी मिर्च, मैं इसको काट के डालूँगी और उस जब ये मसाला तैयार हो जाएंगे तो इसके साथ में नींबू का रस और हल्दी, नमक, बेसन ये सब डालूँगी। फ्रेंड्स अब हम सूरन और बॉयल आलू को मैश कर लेंगे अच्छे से। दोस्तों मैंने इसमें मिर्ची और लहसुन साथ में जीरे का पेस्ट डाल दिया है जो बहुत बारीक नहीं पिसा है। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी और नमक। नमक मैं थोड़ा और डालूंगी क्योंकि बेसन भी डालना है। और इसके बाद मैं डालूंगी बेसन। अब मैं इसको मिक्सचर बनाऊंगी और इसके पेड़े बनाकर तलूंगी। मैंने इसे मिक्स करके इसके पेड़े जैसे पकौड़े बना लिए और मैंने तलने को डाल दिया है। इसे सरसों के तेल में मैं तलती हूँ, आप अपने हिसाब से किसी भी तेल में तल सकते हैं लेकिन ये सरसों के तेल में पकौड़े चटपटे होते हैं। अगर मैं इसको पलट रही हूँ गोल्डन ब्राउन हो गया। ये धीमी आंच पे आप तलेंगे और डार्क गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तभी आप इसे उतारेंगे। जब हम इसे बॉईल करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जब सूरन ताज़ा हो या आलू बहुत ज़्यादा बॉयल हो गया तो दोनों ओवर बॉयल होने पर फट जाता है और बहुत गीले हो जाते हैं, तो समय पकौड़े का जो पेस्ट होता है वो बहुत गीला गीला सा होता है तो तब आपको बेसन थोड़ा ज़्यादा मिलाना पड़ता है, नहीं तो ये टूट जाते हैं और ढंग से नहीं बनते हैं। बट ये आज जो है हार्ड था क्योंकि सूरन भी पुराना था और ये फटे नहीं तो अच्छे दिख रहे हैं। ये खाने में बहुत चटपटे होंगे, इसे मैंने नींबू का रस भी डाला है जिससे चटपटा होगा। आप चाहें तो अदरक डाल सकते हैं थोड़ा और प्याज भी काट के डाल सकते हैं। जनरली मैं प्याज डालती हूँ, आज मैंने प्याज नहीं डाला कि प्याज से भी फटने का चांस होता है लेकिन मैं प्याज डाल के बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनता है। ऐसे मैं बाकी पेड़े बना के तलूंगी और हम डिनर में खाएंगे। तो ऐसे ही आप चाहे तो सूरन के पकौड़े बना सकते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत क्रंची भी होंगे, गरम गरम खाने में इसको मज़ा आएगा
और अभी तो ठंड पड़ गई है तो धनिया की पत्तियाँ मिल रही हैं, तो आप धनिया की चटनी बना सकते हैं इसके साथ में, फिर इसको एंजॉय करिए। अभी पीछे की तरफ ये ब्राउन नहीं हुआ है, मैं आँच थोड़ी तेज करूँगी। पकौड़े रेडी हो गए, मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी। नेक्स्ट राउंड के पकौड़ों को भी मैं डाल दूंगी तलने के लिए। आप इन पकौड़ों को बनाइए और गर्मा गर्म खाइए, और मुझे बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।